नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत स्टोरी ऑफ काबुल। अमेरिकी सेना में शामिल अशोक सिंह पहुंचे प्रतापगढ़। जिले के लालगंज इलाके के रहने वाले अशोक सिंह अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के अमेरिकी सेना के कैंप में 2 साल से बतौर आईटी हेड काम कर रहे थे। काबुल के अमेरिकी बेस पर हमले के बाद अमेरिकी सेना ने इस हमले के बाद तालिबानियों को जवाबी कार्रवाई में ढेर कर दिया, जिसके अमेरिका ने अपने सैनिकों को रात में ही शिफ्ट कराया, जिसमें अशोक सिंह भी शामिल रहे। इसके अलावा 5 और भारतीय भी थे, जिन्हें पहले कतर में ले जाया गया, जहां दोहा होते हुए दिल्ली होते हुए प्रतापगढ़ अपने परिजनों के बीच पहुंचे। मुख्यालय स्थित अपने भाई के आवास अपने भाई के व्यवसाय स्थल पर पहुंचे, जहां हमारे संवाददाता ने बातचीत की। अफगानिस्तान के हालात को सुनिए काबुल से लौटे अशोक सिंह की जुबानी। खबर जगत के लिए LN सिंह की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार सिंह। आप कब से US आर्मी के साथ काम कर रहे हैं? US आर्मी के साथ एक बार मैं जो है एक पीरियड था मेरा 2012 से 2015 के बीच में। उसके बाद 2017 नवंबर से लेकर के लास्ट ये 16 तारीख तक मैंने काम किया इनके साथ, लास्ट मंथ, इसी मंथ में। तालिबान ने कब से हमला शुरू किया? तालिबान एक्चुअली जो है जून महीने में इन्होंने जो है US आर्मी ने, इनका सबसे बड़ा एक बेस है बगराम बेस, इन्होंने जून में खाली करना स्टार्ट कर दिया था। बगराम बेस जून में क्योंकि जो है ये जब जून में बगराम बेस खाली करना स्टार्ट कर दिए, जुलाई आते आते ये पूरा जुलाई में अचानक से एक दिन न्यूज आई कि भैया बगराम से सारे US वाले चले गए। तो जब से जून से स्टार्ट किए थे जो है बेस खाली करना, उसी टाइम से तालिबान एक्टिव हो गया था, क्योंकि उनको पता चल चुका था कि बगराम खाली करके जाने वाले हैं। एक तरह से उनको एक सिग्नल मिल गया था कि अब US यहाँ से स्टार्ट कर रही है अपना इवैक्यूएशन, जो उन्होंने प्रॉमिस किया हुआ था दोहा की मीटिंग में। तो जून के मिड में ये पूरा बगराम कैंप खाली कर दिए, और जैसे ही बगराम कैंप खाली किए वैसे ही तालिबान ने बहुत ही तगड़े तरीके से लड़ाई चालू कर दी। स्टार्ट किया इन्होंने कांधार से, कांधार में जब स्टार्ट किया सबसे पहले इन्होंने स्पिंग बोल्डक जो बॉर्डर है यहाँ पे चमन बॉर्डर के पास जो जिला पड़ता है वहाँ पे अटैक किया, और शायद उसी अटैक को कवर करने के लिए अपने दानिश थे जो है इंडियन मीडिया के, वो भी वहाँ गए हुए थे। तो दानिश की उसी में डेथ हुई थी, उसी फाइटिंग में अफगान आर्मी के साथ पूरा बेसिकली कवर कर रहे थे सारा, तो वहीं पर उनकी डेथ हुई है। तो उसके बाद इन्होंने पहले पूरा कांधार जो है अपने अंडर में ले लिया था, सिटी में नहीं आए थे उस टाइम तक, लगभग जो है जून के मिड तक ये सिटी में नहीं आए थे, केवल आउटर डिस्ट्रिक्ट्स में इन्होंने पूरा अपना कब्जा किया हुआ था। लेकिन जून के एंड आते आते इन्होंने जो है कांधार जेल से जो है सारे कैदी छुड़ा दिए, और कांधार सिटी पे भी एक तरह से कब्जा कर लिया जो है इन्होंने। लेकिन उसके जून के बाद इन्होंने फिर टारगेट किया जो है एक एरिया पड़ता है जरंज, जो है जरंज ये ईरान का बॉर्डर है। तो जरंज और मजार, इसके पहले भी जब तालिबान था पुराने जमाने में 1990 से 2000 तक, तो ये मजार साइड में ये नहीं गए थे, लेकिन इस बार इन्होंने टारगेट किया मजार एरिया को। किस देश की तरफ से घुसपैठ शुरू हुई थी? और ये पहले घुसपैठ शुरू हुई कांधार से शुरू हुई, कांधार के बाद ये जरंज पे गए जो है जरंज एरिया में गए, ईरान बॉर्डर पड़ता है वहाँ पे इन्होंने जून के लास्ट तक। इस दरमियान खून खराबे होते रहे? खून खराबे आर्मी के साथ होते रहे, पब्लिक के साथ कोई नहीं। अब पब्लिक मतलब बेसिकली क्या है कि कोई फाइटिंग चल रही है बीच में पब्लिक आ गई तो वही गया है, उन्होंने पब्लिक को स्पेसिफिक टारगेट नहीं किया है कि पब्लिक को हमको मारना है, क्योंकि इस बार जो आ रहे हैं उनका इनका जो है मेन मोटिव है शासन करना, ना कि पब्लिक को परेशान करना। आप कहाँ पे तैनात थे? मैं काबुल में था। काबुल में किस जगह पे और आपकी भूमिका क्या थी? जी, जगह जो है यहाँ काबुल से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पे, मतलब काबुल जो मेन सिटी है वहाँ से जो है लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पे एक अफगान आर्मी का कैंप है, कैंप वतन। उसी कैंप वतन के सेंटर में US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट का एक कैंप है, कैंप का नाम है बेसिकली JATC ज्वाइंट अफगान ट्रेनिंग सेंटर। तो JATC का जो रोल है बेसिकली अफगान के स्पेशल फोर्सेज जो होते हैं जैसे प्रेसिडेंशियल प्रोटेक्शन सर्विसेज, डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन सर्विसेज, जैसे अपने यहाँ कमांडोज होते हैं वैसे वो कमांडोज हैं जो वहाँ के प्रेसिडेंट MPs इनके प्रोटेक्शन में जो फोर्सेज होती हैं उनको US वाले जो है ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं उसी कैंप के अंदर, कैंप वतन के अंदर ही। तो कैंप वतन में पूरा फायरिंग रेंज बना हुआ है, 5-6 डिफरेंट फायरिंग रेंज हैं, उसी फायरिंग रेंज में जो है अपना हर तरह की ट्रेनिंग को प्रोवाइड करते हैं इनको, स्टैटिक जो मतलब पूरा एक एडवांस ट्रेनिंग होती है वो वहाँ हमारे कैंप में प्रोवाइड किया जाता था। ये कैंप जो मेरा था ये कैंप इस्टेब्लिश हुआ था 2010 के अंदर, 2010 में इसको US ने इस्टेब्लिश किया था। तो वहाँ पे जब तालिबानी पहुँचे हम लोग,
पहुँचे, आप लोगों को भी डर लगा होगा? देखिए हमारे साथ जो 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 स्पेसिफिक घटना घटी 14 अगस्त को शाम को 4 बजे हमारे पास एम्बेसी से कॉल आई अर्जेंट कि आपको बेस खाली करना है शाम को 6 बजे तक, 2 घंटे का टाइम है। अब 2 घंटे में जो हमारे पास स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन होते हैं कैंप खाली करने के, वो कुछ मतलब इनके जो डेटा वगैरह हैं, एज आई टी में वहाँ पे काम कर रहा था, मेरा काम था उनका डेटा सेव करना, क्योंकि उनके पास पूरी इन्फॉर्मेशन होती है उनके इम्प्लाइज़ की, उनका अपना इंटरनल रिकॉर्ड होता है, वो सर्वर्स में सब सेव होता है। तो मेरा काम था उस डेटा को सेव करना और सर्वर को डिस्ट्रॉय करना, और साथ में जितने भी वहाँ पे इम्प्लाई काम कर रहे थे US गवर्नमेंट के हों या जो है कोई प्राइवेट थर्ड पार्टी अफगानी हो, उनके जितने भी लैपटॉप हैं उनको भी डिस्ट्रॉय करना कि कोई भी उन लैपटॉप से कोई इन्फॉर्मेशन ना निकाल ले। क्योंकि सबसे बड़ा थ्रेट जो कैंप के अंदर होता है, जो भी अफगानी काम कर रहे हैं उनका अगर कोई इन्फॉर्मेशन तालिबान के पास मिल गया तो वो अफगानी की जान जाने की पूरे चांस हैं कि वो अफगानी को उस मार देते हैं। इनका इतिहास रहा है पहले भी, जब भी कोई किसी भी अफगानी को पाए हैं। आपके साथ और कितने भारतीय काम कर रहे हैं वहाँ पे? उस पार्टिकुलर कैंप में जो है टोटल मेरे साथ 5 भारतीय थे, मैं आईटी डिपार्टमेंट में था, बाकी 4 भारतीय और थे, वो अलग अलग काम कर रहे थे। सब निकल चुके हैं वहाँ से? सब मेरे साथ ही निकले हैं एक साथ हम लोग वहाँ। हम 14 को मतलब वहाँ जब हमारे पास कॉल आई है 4 बजे, 6 बजे निकलना है, 6 बजे सब लोग निकल चुके थे वहाँ से। हम लोग आके 15 को काबुल एयरपोर्ट पर, जो US एडमिनिस्ट्रेटेड एयरपोर्ट है, हम वहाँ पर आके रुके हैं 15 को, मतलब 14 की रात को, 15 को हम वहाँ रात को 10 बजे तक रहे हैं, 10 बजे फिर हम अपना फ्लाइट पकड़ के दोहा आए हैं 15 को। कोई विशेष चीज़ जो आपको द्रवित कर गई हो? द्रवित तो यही की कि जैसे 15 को ही है, जब हम कैंप में वहाँ पे स्टे किए थे, तो जब तालिबान वहाँ पे इंटर कर दिया मॉर्निंग में, मतलब 9 o'clock के आसपास न्यूज़ आना स्टार्ट हो गई, वह तालिबान जो है बागे बाबर साइड से इंटर कर चुका है। फिर 1 बजे के आसपास हमारे ही US एरिया पे करीब जो है 5-6 RPG फायर हुई है। RPG मतलब ये जो अपना रॉकेट होता है, हाँ नहीं तो डर तो एक सेंटीमेंट तो बनता ही है कि मतलब हम लोग जहाँ रह रहे हैं उधर कहीं ना आ जाए, लेकिन उसका रिटेलिएशन हुआ, US आर्मी ने तुरंत जवाब दिया, उसमें काफ़ी तालिबानी मारे उसी दिन मारे जो है, तो उन्होंने RPG फायर किया था। तो इवन हमारा जो प्लान था 15 को 2 बजे के आसपास हमको जो है फ्लाइट पकड़नी थी, लेकिन 1 बजे के आसपास RPG फायर हो गया। RPG फायर होती हमारे पास तुरंत इंस्ट्रक्शन आ गया, भाई जितने लोग यहाँ पे हैं सब जो है कवर मतलब किसी कवर्ड एरिया में चले जाएँ, कवर्ड एरिया मतलब किसी भी बिल्डिंग के अंदर चले जाएँ जो है, सब बाहर हम लोग घूम रहे थे, सब लोग बिल्डिंग के अंदर चले गए। फिर मतलब फाइटिंग चलती रही अपना, फिर काफ़ी सेना उसी दिन ही जो है काफ़ी सेना US आर्मी की जो है C-17 विमान, करीब 4-5 विमान आए वो अलग अलग बेसेस से, जैसे कुछ तो मतलब दोहा से आए हैं, कुछ कुवैत से आए हैं, तो ये सब अलग अलग बेसेस से काफ़ी सेना जो है आई है उस ग्राउंड को कवर करने के लिए, एयरपोर्ट को की सुरक्षा के लिए। इस बीच आपके घर वाले माँ? तो देखिए घर वाले तो पिछले 1 महीने से परेशान हैं, क्योंकि 1 महीने जब से कांधार पे कब्जा हुआ, जब से दानिश की मौत के बाद ही जो है घर वाले तो परेशान हमेशा से रहे हैं कि भैया क्या कर रहे हो वहाँ पे, क्यों हो, चले आओ। लेकिन एक मुझे जो है पर्सनल लेवल पे US गवर्नमेंट का सपोर्ट था, उनका एक एश्योरेंस था कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तालिबान अगर कैंप के अंदर भी आ जाता है तब भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हम लास्ट मोमेंट तक भी आपको हम यहाँ से इवैक्यूएट कर लेंगे। क्योंकि अच्छा, मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ, उनको उनका प्रोसेस भी पता है कि हमको लास्ट मोमेंट पर कुछ भी नहीं होने देंगे, इतना एश्योरेंस था। तो कोई अंदर से कोई डर मेरे अंदर नहीं था, लेकिन फैमिली के अंदर तो डर था, सब लोग फ़ोन करते थे, सब परेशान थे उस टाइम पर, तो एक थोड़ा सा सेंटीमेंट देने के लिए डेली अरे तालिबान नहीं आने वाला, 2 महीने बाद आएगा, 3 महीने बाद आएगा, अभी हम लोग काम कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इंटरनली हम लोगों को पता था कि काबुल पहुंचने वाले हैं या पहुंच गए हैं, सब चीज़ें हम लोगों को पता थी। जब आपका भाई आपको रिसीव करने पहुंचा, हाँ, तो क्या स्थिति? वो ठीक है, वो देखा भाई चलो भाई आ गया, तो भाई को तो यही लगा भाई आ गया, लेकिन अब मुझे तो मतलब अंदर ठीक है यार, नॉर्मल चीज़ें हैं, क्योंकि हम तो नहीं, वो ठीक है, उतना तो चलता है। या इन्होंने जैसे ही इंटर किया, इंटर करने के बाद 15 को ये जो है अपना प्रेसिडेंट पैलेस पे गए, प्रेसिडेंट पैलेस पे कब्जा कर लिया। 15 को मैं काबुल में ही था मौके पे, तो 15 को जब इन्होंने प्रेसिडेंट पैलेस पे कब्जा कर लिया, कब्जा करने के बाद एक पब्लिक सेंटीमेंट, अब तो हमारा कोई माई बाप है नहीं, क्योंकि उस टाइम पे जो करंट प्रेसिडेंट थे वो कंट्री छोड़ चुके थे, तो उसमें जो है पब्लिक के बीच में एक टोटल जो है कियास हो गया कि अब तो हमारा कोई यहाँ पे हमको बचाने वाला है नहीं, क्योंकि ना तो कोई पुलिस रह गई, ना तो कोई आर्मी रह गई, अब टोटल तालिबान है। अब टोटल तालिबान है उस केस में, जो गवर्नमेंट के साथ जुड़ा हुआ था, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे, गवर्नमेंट के साथ जुड़े हुए थे, बिजनेसमैन थे, पैसे, ये सब कंट्री छोड़ के भागने के लिए, जिसको जहाँ का टिकट मिला, किसी भी कंडीशन में जहाँ का टिकट मिला वो वहाँ का टिकट लेकर के ये भागना स्टार्ट कर दिए।
आपको भी कोई अप्रोच किया था वीज़ा के लिए? हमारे पास बहुत सारे ऐसे मैसेज मिलेंगे आपको कि हमको वीज़ा दिलवा दो, इंडिया का वीज़ा दिलवा दो, US का वीज़ा दिलवा दो, रिफ्रेंस दिलवा दो। इस तरह के मेरे पास जो है करीब मतलब पिछले एक महीने में कुछ नहीं तो 100 के आसपास कॉल आ चुकी थी। मतलब लोगों को अपनी जान का खतरा बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा। कहीं यही कारण तो नहीं था कि जहाज के तो यही वो कारण देखिए वो कारण यही था। अब जो लोग जहाज से बैठे हैं वो थोड़ा सा पब्लिक सेंटीमेंट था, अलग वो एक अलग केस है। लेकिन वो डर था कि सेंटीमेंट था? नहीं, वो मतलब एक डर ही बोलिए उसको, एक डर बोलिए कि डर उनके अंदर डर था कि तालिबान आ गया अब हमारे साथ क्या होगा, मारेगा क्या करेगा। क्योंकि जो उनका पुराना इतिहास रहा है तालिबान का पिछले जो है 1990 से 2000 के बीच में, वो इतिहास खराब रहा है। तो अब उस इस बार भी तमाम तस्वीरें ऐसी आई कि फायरिंग किया, छोटे छोटे बच्चे भाग रहे हैं, नहीं कोई बच्चे को छोड़ दिया, कोई बीवी बच्चों को नहीं। तो अब वो फायरिंग किस केस में हुई है जहां कहीं आर्मी और तालिबान के बीच में फायरिंग हो रही है, उस बीच में कोई पब्लिक आ गया है, कोई पब्लिक क्रॉस कर रहा है या किसी पार्टिकुलर एरिया में फायरिंग चल रही है, अब वहाँ पे कोई जो है उस एरिया में है तो उसको जो है डैमेज हुआ है। अदरवाइज इन्होंने पब्लिक को स्पेसिफिक टारगेट नहीं किया है। टारगेट इन्होंने जब 15 को काबुल में ये इंटर किए हैं उस टाइम पे भी जो है ये एयर फायरिंग केवल किए हैं, बस पब्लिक के ऊपर कोई गोली नहीं चलाई है। और जैसे ये जो है ये इनका एक एरिया है बागे बाबर, बाबर का मकबरा बोलते हैं, बाबर के मकबरा में 15 तारीख को ये इंटर किए और मकबरे में केवल जाके हवाई फायरिंग स्टार्ट कर दी और मकबरे से बाहर निकले। बाहर निकलते ही पूरी पब्लिक एक तरह से जैसे जो तालिबान थे उनको एज अ सेलिब्रिटी जो है उनको उनका वेलकम की है, पब्लिक ने तालिबान का वेलकम किया है काबुल सिटी में। तो जब स्थितियाँ बनी तो पहली चीज़ तो जैसे अब इन्होंने ये बाहर जो है ये कब्जा कर रहे थे, जैसे आपने मैंने बताया कांधार कब्जा किया, जरंस कब्जा किया। जरंस की तो कुछ फनी स्टोरी ये भी थी कि जो है जून के फर्स्ट वीक में कुछ लोग ईरान गए, जब वापस आए जो है लास्ट में जो है किसी बिजनेस के पर्पज़ से या किसी पर्पज़ से ईरान गए। ईरान जब वो गए उस टाइम पे वहाँ पे अफगान आर्मी की अथॉरिटी थी, अफगान गवर्नमेंट की अथॉरिटीज थी। जब वो वापस आए जून के लास्ट में तो वहाँ बॉर्डर पे जो है इमिग्रेशन के लिए तालिबान बैठा हुआ था, कोई गवर्नमेंट के मेंबर नहीं, सब तालिबान थे उस टाइम पे। तो क्या हुआ? तो वही सेम प्रोसेस इमिग्रेशन की, वो भी जो है उनको आने दिया, ऐसा कुछ पब्लिक को परेशान नहीं किया, जो प्रोसेस होता है वही प्रोसेस वो नॉर्मल रहा। लेकिन अब वही है कि ऑफिसर चेंज हो चुके थे, पहले गवर्नमेंट ऑफिसर थे अब तालिबान थे, मतलब एक फनी स्टोरी ये भी है जो है। तो उसके बाद जैसे जैसे ये लास्ट में मजार कब्जा किए हैं, मजार के बाद मजार में ही थोड़ी मोड़ी फाइट हुई है, मजार के बाद कहीं भी किसी भी स्टेट में फाइट नहीं हुई इनके साथ, आर्मी के साथ। मतलब अफगान सेना, नाटो सेना ने कोई विरोध नहीं किया? नाटो ने तो पहले ही मना कर दिया कि हम तो लड़ाई लड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि आपको हमने 20 साल ट्रेनिंग दी हुई है, हमने पहले ही जो है प्रॉमिस कर लिया कि हमको ये कंट्री छोड़नी है अगस्त तक। तो जो ट्रेनिंग लिए थे उस समय, हाँ, वो लोग कौन थे? ये अफगान आर्मी के लोग थे, अफगान टोटल जो अफगान आर्मी है, तो ऐसा लगता है कि अफगान आर्मी में तालिबानी ही टोटल अफगान आर्मी जो है वो करीब जो इनकी संख्या है 3.5 लाख के आसपास है। टोटल अफगान आर्मी की संख्या 3.5 लाख के आसपास है, टोटल तालिबान की संख्या लगभग ये 75,000 के आसपास है। अब ये 75,000 इन 3.5 लाख पे भारी पड़ रहे हैं। तो इसका सेना में भी तालिबानी ही थे क्या? ये मतलब एज अ थर्ड कंट्री जो हम अफगानिस्तान लोग के लोग नहीं हैं, ये हम तो हर अफगानी को तालिबानी की तरह ट्रीट करते हैं कि अफगानी तालिबानी हो सकता है, इससे कोई भी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन हमको शेयर नहीं करनी है, वो कितना भी क्लोज हो। यानी ट्रेनिंग में घुसपैठ थी तालिबान की? पूरी तरह से थी, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जिस मतलब ट्रेनिंग में ही नहीं इवन गवर्नमेंट में भी घुसपैठ है। आप मतलब कुछ स्टेटमेंट्स तो ऐसा हुआ कि जब बस तालिबान ने फ़ोन किया गवर्नर को, हम आ रहे हैं, अच्छा आप यू आर वेलकम, आप आओ, उन्होंने आते ही बस एग्रीमेंट पर साइन किया, ये स्टेट आपका, कोई फाइट नहीं। एग्रीमेंट हुआ है? हाँ हाँ हाँ, हर जगह जहाँ बैठे हैं मतलब जाके मतलब ये गवर्नर के घर में जा करके प्रॉपर एग्रीमेंट पर साइन करवाए हैं जो है तालिबान ने। कुछ आपको मीडिया फोटोज मिल जाएंगे। काबुल एयरपोर्ट पे जब तालिबानी पहुँचे तो नहीं, तो हुआ क्या था कि पहले से जो है अगर आप रिसेंटली जो है 12-13 के आसपास की न्यूज़ देखें, US का ही एक जो है इंटेलिजेंस का जो है एक मीडिया में आया हुआ था, अपने यहाँ भी इंडिया टाइम्स में आया हुआ था कि 10 तारीख के आसपास की बात है, 10 तारीख के आसपास पूरे मीडिया में ब्रॉडकास्ट हुआ था, मेरे पास उसकी कॉपी है, कि तालिबान 90 दिन के अंदर काबुल में कब्जा कर लेगा। ये 10 तारीख 10 अगस्त की ये जो है न्यूज़ थी, और पूरा ये US इंटेलिजेंस का न्यूज़ था कि तालिबान 90 दिन के अंदर काबुल पे कब्जा कर लेगा। ये 90 दिन तब होगा जब अफगान सेना फाइट करेगी तालिबान के साथ, अदरवाइज 1 महीने के अंदर आ जाएगा।
अभी इतना किसी को नहीं पता था कि ये 10 तारीख को ये पब्लिश कर रहे हैं, और ये पता हो गया था कि तालिबान के मतलब ये काबुल के आसपास ये 15 किलोमीटर के एरिया में पहुंच चुके हैं 12 तारीख को। ये हमारे हम सबके पास नॉलेज थी कि मतलब ये आसपास के कुछ स्टेट थे वहाँ पे ये ऑलरेडी पहुंच चुके थे, जो कि जिसकी डिस्टेंस मात्र 15 किलोमीटर थी। उसके बाद भी यूएस गवर्नमेंट का जो है जो नोटिफिकेशन था कि एक महीने इनको लगेंगे, लेकिन एक महीने का लगने का कंडीशन ये था कि अगर अफगान आर्मी फाइट करेगी तो, लेकिन अफगान आर्मी ने